गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण पर आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद की 316.17 करोड़ की 86 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास से आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाया जाता है। उन्होंने कहा, जनपद के नगर निगम में एक बड़ी आबादी रहती है, आबादी को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तमाम योजनाओं की आवश्यकता थी, जिसको प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा, नगर निगम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है, जिसमें विकास, सड़क सहित अन्य परियोजनाएं हैं। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि जनपद विकास की नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा फर्टिलाइजर का कारखाना अगले महीने शुरू हो जाएगा, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। उन्होंने कहा, देश में भाजपा की सरकार बनने पर जनपद को एम्स मिला, जिसकी मांग सालों से होती आ रही थी, उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने करेंगे तथा वाटर स्पोर्ट्स का भी उद्घाटन अगले महीने किया जाएगा, जो युवाओं के लिए स्पोर्ट्स की सुविधाओं का माध्यम बनेगा। अब गोरखपुर अच्छी सड़कों सहित तमाम योजनाओं से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा, जनपद की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को भी दिया गया है तथा मेट्रो की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, जब जनपद में उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, तब फर्टिलाइजर खाद कारखाना बंद हो गया था और पिपराई चीनी मिल बंद हो गई थी तथा साथ साथ विकास की योजनाएं जनता से कोसों दूर होती जा रही थी, लेकिन अब जनपद में अनवरत विद्युत की आपूर्ति हो रही है तथा चारों तरफ विकास हो रहा है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक विपिन सिंह, संगीता यादव, संत प्रसाद, महेंद्र पाल सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा सहित नागरिक मौजूद रहे। सम्मान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज, गोरखपुर का भी नाम जिसमें अंकित है महाराज जी के कर कमलों से, आज पूरे हम लोग जब विधायक 2007 में थे, 2012 में थे, साथ एक क्षण को इस शिक्षा के प्रांगण में अभिभूत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में शिक्षा के उत्तम शिखर पर विराजमान यह प्रांगण परम पिता परमेश्वर के चरणों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों के संग सानिध्य में यह कार्यक्रम सम्पन्न होता हुआ। अस्तो मां सर्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु मां मृतगमे, स्वतमस्य परम निधानम्। जनपद को अपनी परियोजना अपनी आकांक्षाओं से संबंधित करें। आज इस धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा, साथ ही साथ सेतु निगम, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास विकास निगम, निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम, यूपी सिडको, CNDS-19, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम गोरखपुर की इकाई UPRT के संयुक्त रूप से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के योजनाओं के आज के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, संत प्रसाद जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, संगीता यादव जी, डॉक्टर बिंदेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी,
महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, सभी पार्षदगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 316,16,66,000 रुपये की इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी जनप्रतिनिधियों को और गोरखपुर के जिन जिन क्षेत्रों से ये परियोजनाएं हैं उन सभी क्षेत्र के नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज की लोकार्पण की जो योजनाएं हैं इनकी संख्या 54 है और इनमें 124,15,87,000 रुपए की लागत से परियोजनाएं हैं और शिलान्यास की 32 परियोजनाओं में 192,79,79,00,000 रुपए की लागत से ये सभी परियोजनाएं आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पित की जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि विकास एकमात्र आधार है प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का। स्वाभाविक रूप से विकास के लिए नगरीय क्षेत्र में और लोगों के आवागमन को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है और इस बेहतरी के लिए ही सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। गोरखपुर में नगर निगम के क्षेत्र में एक बड़ी आबादी को समाहित किया गया है और समाहित की जाने वाली योजनाओं के साथ जोड़ने के बाद वहां के विकास को जब तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी तो प्रदेश सरकार ने चाहे वह गोरखपुर महानगर में नगर निगम के दायरे में या गोरखपुर की नई नगर पंचायतों या गोरखपुर के जो पहले से नगर पंचायतें थी उनके क्षेत्रफल को बढ़ा करके आने वाले गांवों को भी समग्र विकास के साथ जोड़ने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज तमाम परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास आज यहां पर हो रहा है। इसके अलावा वे तमाम अन्य परियोजनाएं हैं, इनमें पर्यटन विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी है, इनमें सड़क की भी परियोजनाएं हैं, इनमें ओवर ब्रिजेस की भी परियोजनाएं हैं, इनमें अन्य तमाम विकास की वे परियोजनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकती है और उन परिवर्तन के लिए जब जनप्रतिनिधि प्रयास करता है तब योजना आपके क्षेत्र में आती है और आज 316 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं आज गोरखपुर विकास के एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। गोरखपुर में 1990 में बंद फर्टिलाइजर कारखाना अगले महीने दिसंबर में प्रारंभ हो जाएगा। गोरखपुर में एम्स की मांग 2004 से चल रही थी, पिछली सरकारों ने अनदेखी की लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स भी दिया और एम्स के बनने के साथ ही आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान भी पूरी तरह गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दिया है। एम्स का उद्घाटन भी अगले महीने गोरखपुर में होने जा रहा है। गोरखपुर में अगले महीने हम लोग वाटर स्पोर्ट्स की इस योजना का भी जो रामगढ़ ताल को देश की सुंदरतम झीलों में रूप स्थापित करके पर्यटन विकास के साथ साथ यहाँ के युवाओं को स्पोर्ट्स यानी वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक माध्यम बनेगा। आज गोरखपुर चाहे वह अच्छी सड़कों का हो और चाहे बहुत शीघ्र उन तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में आगे प्रयास कर रही है कि हम लोग गोरखपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर कैसे कर सके, इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाने, गोरखपुर में मेट्रो की सेवा को आगे बढ़ाने, आवागमन को और भी आसान करने की दिशा में सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बेहतर प्रयास में केवल सरकार के स्तर पर नहीं और केवल जनप्रतिनिधियों के स्तर पर नहीं
बल्कि आम जनमानस के साथ बेहतर संवाद बनाने और आम जनमानस को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उन लोगों को इन योजनाओं के साथ जोड़ करके विकास को और उन योजनाओं की सार्थकता के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये योजनाएं आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का एक माध्यम बनेगी और उन योजनाओं की वास्तव में गोरखपुर के विकास में और परिवर्तन में किस प्रकार की भूमिका हो सकती है, जब आम नागरिक इसके साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वह उनके संरक्षण के लिए भी और उनके रखरखाव में भी अपने स्तर पर भी वह योगदान दे सकता है। और आज का यह कार्यक्रम उसी की एक झलक है कि जब गोरखपुर में 316 करोड़ रुपए की जिन योजनाओं को पूरा किया गया है उनका लोकार्पण और जो नई परियोजनाएं आ रही हैं उन नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। ये स्वाभाविक रूप से उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो हम लोगों ने गोरखपुर को एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने, गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का यह आयोजन। और आज के इस आयोजन में जब ढेर सारी परियोजनाएं गोरखपुर के लिए यहां पर स्वीकृत हुई है, इन सभी योजनाओं के लिए गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई, आप सभी को इसकी हृदय से मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं इसके लिए कोटि कोटि बधाई आप सभी को उपलब्ध कराता हूं। भाइयों बहनों, एक समय था जब गोरखपुर में उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, पिपराइज की चीनी भी बंद हो गई थी, ग्रेडी मेडिकल कॉलेज बंदी के कगार पर था और साथ साथ विकास की सभी परियोजनाएं जिनके लिए गोरखपुर की जनता की एक आस थी वे बंद होती जा रही थी, बिजली तक नहीं मिलती थी। लेकिन आज गोरखपुर में अनवरत विद्युत की आपूर्ति हो रही है। आज विकास की जो ग्रेडी मेडिकल कॉलेज, मैं उस समय की सरकारों के कार्यपद्धति को देखता हूं, 2003 से 2017 तक जिन सरकारों ने प्रदेश के अंदर शासन किया, अगर भाइयों बहनों बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहिए होते ये लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी कहीं बेच करके उसको भी खुर्द-बुर्द कर दिए होते और गोरखपुर के लोग टकटकी लगाकर के देख रहे होते। लेकिन तो उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहिए नहीं थे, नहीं तो यहां से उठाकर कहीं और जगह ले गए होते। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किया है उस व्यापक परिवर्तन को किस रूप में आज साकार होते हुए प्रदेश में देखा है। 1947 से 2016 के बीच ये लगभग 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से लेकर के 2021 के बीच वर्तमान में हम प्रदेश के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ये 33 नए मेडिकल कॉलेज, 6 पुराने मेडिकल कॉलेज जिसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बन रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को हम लोगों ने कोरोना कालखंड में उसके महत्व को समझा है। आपने देखा होगा कि कैसे कोरोना कालखंड के अंदर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने हुए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की जान को कोरोना से बचाने में कितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आधुनिक और विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ हो चुका है। कुशीनगर में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में किया है। सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ हो रहा है। बस्ती का मेडिकल कॉलेज 2 वर्ष पहले हम प्रारंभ कर चुके हैं। आज अगर आप देखेंगे जिस गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी में एक मेडिकल कॉलेज था वह भी जर्जर स्थिति में था, आज उसी गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज, 1 एम्स,
और उसने भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ साथ जेआरडी मेडिकल कॉलेज मजबूती के साथ आगे बढ़ करके यहां के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। पहले यहां की चीनी मिलें बंद होती थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी। देवरिया और कुशीनगर के अंदर तभी 31 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज घट करके गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर मात्र 10 से 12 चीनी मिलें चल रही हैं और पिपराई चीनी मिल बंद कर दी गई, घुगली की बंद कर दी गई, घोरी बाजार की बंद कर दी गई, बेताल गुड़ की बंद कर दी गई, ऐसे तमाम कंडोला की बंद कर दी गई, लेकिन हमारी सरकार ने इन चीनी मिलों को चलाने का निर्णय लिया। और आपने देखा होगा पिछले वर्ष कोरोना कालखंड में हम लोगों ने पिपराइज की चीनी मिल को चालू किया और उसके चालू होने के साथ ही 50,000 क्विंटल गन्ने की प्रतिदिन पेराई की क्षमता के लिए पिपराइज चीनी मिलती है। यानी विकास की इन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए किसानों के जीवन में भी परिवर्तन और किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के साथ साथ यहां पर हरेक स्तर पर, चाहे वह किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा हो या अन्य तमाम प्रकार से क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, आज हाईवे बन रहे हैं गोरखपुर में, एक एयरपोर्ट पहले से, देश के अंदर 14 वायु सेवा गोरखपुर से चल रही है और गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर प्रारंभ हो चुका है। एयरपोर्ट में 3 दिन पहले वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। बहुत शीघ्र जैसे ही आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर कोरोना जैसे ही नियंत्रण में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कुशीनगर से भी प्रारंभ होगी। ये बदलते हुए गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो आज विकास के प्रति प्रतिबद्ध होकर के केवल और केवल विकास के माध्यम से अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उस उज्जवल भविष्य को और मजबूती प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गोरखपुर में अगले महीने होने जा रहा है, जिसमें फर्टिलाइजर और एम्स जैसे बड़े संस्थान राष्ट्र को समर्पित होंगे और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ यहां पर रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 316 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी नागरिकों को, गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध होगा। जो योजनाएं शिलान्यास हो रही हैं, कार्यकारी संस्थाएं उन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे ले जाकर के उन योजनाओं को मानक की गुणवत्ता के साथ पूरा करने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज जी को अगले कार्यक्रम में हर महादेव।